अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है हर हर दिल से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू के समोसे, वो भी घर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बट ये स्टेप जो है थोड़ा चेंज है। अब हम 3 से 4 अदर जो है आलू लेंगे। बट ये स्टेप जो है थोड़ा चेंज है। अब हम 3 से 4 अदर जो है आलू लेंगे नॉर्मल साइज के। इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। एक स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप जो है नॉर्मली जो लोग आलू को उबाल लेते हैं, बट हमने आलू को उबालना नहीं है, हमने आलू को जो है वो कद्दूकस कर देना है। सेम इसी तरह आप कद्दूकस करते जाएंगे। अब मसाले की तरफ आते हैं। लाल मिर्च हम 1 टेबल स्पून लेंगे, 1 टेबल स्पून चाट मसाले लेंगे, 1 टेबल स्पून काली मिर्च लेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा लेंगे, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया लेंगे और 1/2 टीस्पून नमक और गरम मसाला। अब हम एक खूबसूरत सा फ्राई पैन लेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसके अंदर 1 अदद हमने प्याज ऐड करना है। प्याज को हम इसी तरह कट कर देंगे, स्लाइस की तरह हमने कट कर देना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तब तक हमने पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए तब तक। तो हमारे जो प्याज है उसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे और जो आलू हमने कद्दूकस किए थे वो ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और बार बार हम स्पैचुला हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो आलू है वो नीचे से लग ना जाए। तो हमने जो है स्पैचुला हिलाते और इसे तब तक हमने पकाने, जब तक हमारे जो ये आलू है तब तक पक ना जाए तब तक हम पकाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कूटा हुआ धनिया, काली मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें गरम मसाला और नमक ऐड करेंगे। नमक मैं आपको अभी बता देती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे 5 से 6 मिनट तक। अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें और 1 से 2 अदद इसके अंदर हमने अंडे ऐड करने हैं। अंडे को पहले आप अच्छे से उबाल लेंगे और उसके जो है इसी तरह आपने छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। अब इसके अंदर हम अंडे को जो है वो डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को आपने तब डालना है जब आपके आलू जो है वो अच्छे से पक जाए, तब आप ऐड करेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून आटा लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल ये पतला हो जाए पानी की तरह। अब हम रोल की जो पट्टियाँ हैं, समोसे की जो पट्टियाँ हैं वो लेंगे और समोसे की तरह हमें शेप बनाना है। सही शेप बनाना तो आपको आता होगा, किस तरह बनाते हैं। इसके अंदर जो मिक्सचर हमने आलू का तैयार किया था वो डाल देंगे और साइडों पर जो हमने आटा तैयार किया था वो हमने इसके साइडों पर लगा लेना है। इससे ये है कि हमारे ये जो समोसे वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। इसी तरह अब हम रोल का भी करेंगे। याद रहे आप लोग समोसा बनाए, रोल बनाए, जो भी आप बनाए, इसको साइडों से अपने अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि ये जब तेल में जाते हैं ना तो ये साइडों से खुल जाते, ओपन हो जाते, तो आपने इसको अच्छे से कवर करना है। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग वीडियो को बीच में से छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो ना करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को वीडियो की समझ आ सके। अब इसी तरह हम एक एक करके रोल और समोसे जो है वो तैयार करते जाएंगे। तो फाइनली जो है हमारे रोल और समोसे जो है वो सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक खूबसूरत सा फ्राई पैन लेंगे, उसमें जो है ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इतना ऐड करना है कि जो हमारे रोल और समोसे हैं ना वो डिप हो सके, उतना हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम समोसे और जो रोल है उसके अंदर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करना। अब जैसे ही हमें लगे कि ये नीचे से पक चुके हैं तो इसे हमने जो है वो इसकी जो साइड है वो हमने चेंज कर देनी है, सही है। बट मैं आपको अभी भी बता रही हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है, मतलब नॉर्मल फ्लेम पर आपने रख लेना है।
हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही जो है वो जल्दी पक जाएंगे, और दूसरा ये कि कच्चे रहेंगे। तो आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है। तो ये आप देख सकते कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम ऑयल से जो है रोल को निकाल देंगे। और इसी तरह एक एक करके डालते जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पट्टियाँ जो है वो आप घर पर आसानी से बना सके तो वो ले उसकी जो वीडियो है वो मैंने पिछली वीडियो मैंने बना दी थी, और उसके जो है लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते कितना खूबसूरत आया है। फाइनली हमारे जो रोल समोसे हैं वो डन हो चुके हैं। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े की समोसे और रोल बने हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी मज़े की वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।